हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मवी थाना इलाके में सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान नंदू कुमार के रूप में की गई, जो दरभंगा के मौलागंज का रहने वाला था और ऑटो चलाकर अपने अपने परिवार का भरण पोषण करता था। नंदू की हत्या गोली मार कर की गई। पुलिस फिलहाल शव को पोस्टमार्टम करा परिवार वालों को सौंप दिया। में यह है कि मेरा भाई रात में बोला कि भैया हो जे आवे छी तो खाना खाए, तो हम कहे कि खाना गरम करे, तो मम्मी के बोला कि मम्मी गे तू खाना गरम कर दे जे हम आ रही है। उसके बाद रात में गया, उसके बाद नहीं आया रात में 2:15 बजे में। उसके बाद हमको फोन आया तो मेरा आए तो हम कहे कि क्या बात है, तो DMCH में आए हैं, यहाँ प्रशासन लेके आया था मम्मी थाना का। उसके बाद यहाँ प्रशासन उसको लेके आया था, हम को यहाँ से फोन हुआ, उसके बाद हम आए हैं देखे हैं तो मेरा भाई को वो हुआ था और प्लस बायां साइड में सीना में छेद है, गोली मारे हुआ है। एक तरफ मृतक के शव को सड़क पर रख परिवार वालों के साथ साथ मोहल्ले के लोगों ने खान चौक जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया, वहीं ऑटो चालक संघ के लोगों ने बाघ मोड़ पर आगजनी कर सड़क जाम की। प्रदर्शन कर रहे लोग हत्यारे की गिरफ्तारी के अलावा मृतक परिवार के लोगों के लिए सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे थे। साथ ही दरभंगा में बढ़ते अपराध पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपने गुस्से का भी इजहार किया। आपका बेटा कहाँ से कार टेम्पो चलाता था? पर गोली वाला बात है, जब गोली लगा हुआ था आप कहे कि थोड़ा बड़ा था हम लाए, तो क्या उधर प्राइवेट डॉक्टर नहीं था? अब प्रशासन होके कई प्राइवेट डॉक्टर उसको गोली नहीं निकलवा सकते थे? गोली निकलवा के बच्चा के जान रहता तो वो तो सब कुछ बोलता है, सब बहुत डॉक्टर है, तो इसलिए गलती किसका है? हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि गलती है किस में? कौन हुआ कि हमारा जो भतीजा को मार दिया? DMCH में गया, DMCH में मेरा एक भगना रहता है, उसके तरिए जो हमको जानकारी मिला, हमको जानकारी मिला तो गए तो वहाँ बोला डॉक्टर कि आपका पेशेंट मर चुका है। कौन मार दिया और कैसे? हम लोग का जानकारी नहीं है। कहाँ पे घटना हुई? हुआ आपको मफी पुल से, मतलब कैंसर अस्पताल से पीछे। ऐसा सामान छूट रहा है तो प्रशासन ढूंढ करके हम लोग के घर से निकाल लिया जाता है। आज मेरा भाई का मर्डर हो गया है, सर को रोका करके पूछे सर क्या हम कहना चाहते हैं, तो हमको कहता कि वो मेरा क्षेत्र नहीं है। इससे पहले भी चंदन मफी थाना कहते मेरा क्षेत्र नहीं है, सिमरी थाना कहता मेरा क्षेत्र नहीं, तो सर पैसेंजर मारा है सर, उसको गाड़ी बुक करके ले गया दरभंगा स्टेशन से 12:30 में, उसके बाद बोला कि हमको सिमरी जाना है और कैंसल है अस्पताल के नजदीक। टेम्पू पर हर हमेशा जुलूम हो रहा है, टेम्पू चालक को प्रशासन द्वारा उगाही, प्रशासन द्वारा जहां मन होता वहां पैसा लेना, मार देना, पीट देना, हम लोग का पूर्वज से मांग है टेम्पू का स्थायी स्टैंड का निदान किया जाए, जहां पर हमारा स्टाफर रुकेगा, कहां पर चढ़ाना है, कहां पर उतारना है, फर्स्ट बात। दूसरी बात की अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले आप देखे हुए हैं कमतौर में एक टेम्पू चालक के मकान में आग लगा दिया गया था, चालक कर दिया, कल स्टेशन से खान चौक का लड़का को रिजर्व करके ले गया, उसकी हत्या कर दिया गया सोवन में और गाड़ी फेंक दिया, जो गाड़ी बरामद उसे थाना में है। तो इसी बात के लेके हम लोग एक जगह आए हैं और इस प्रशासन से मांग करते हैं कि टेम्पू चालक 24 घंटा रोड पर रहता है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। यदि हम लोग को 24 घंटा में शाम तक रिजल्ट नहीं मिलता है तो कल हम लोग अपना आपस में एक मीटिंग करके उसके बाद निर्णय लेंगे, जो माने प्रशासन को चुनौती होगा और उसका सारा जवाबदारी प्रशासन का। परिवार वालों की माने तो नंदू देर रात किसी अनजान यात्री को लेकर अपने ऑटो को लेकर निकला, लेकिन देर रात तक जब घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने इसकी तलाश शुरू कर दी। इसी बीच मब्बी इलाके में शव मिलने की सूचना पर परिवार वाले इसकी पहचान भी की। मौके पर पहुंचे शहर के SDPO कृष्णानंदन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि अज्ञात अपराधियों द्वारा ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या की गई है। जल्द ही हत्यारे की गिरफ्तारी का दावा करते हुए उन्होंने बताया कि मृतक परिवार को ज्यादा से ज्यादा सरकारी मदद मिले, इसके लिए
खुद अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे। दरभंगा में बढ़ते अपराध पर उन्होंने बताया कि जल्द ही अपराधियों की शिनाख्त कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, अपराध पर लगाम भी लगाया जाएगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीड हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोरिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। जिला विधि सेवा प्राधिकार की ओर से 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में अधिक से अधिक लोग शरीक हो और वापसी सहमति के आधार पर विभिन्न मामलों का निष्पादन हो सके। जिला विधि सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला न्यायाधीश जावेद आलम की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। जैसा कि मालूम है कि 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत होने जा रहा है, उसकी तैयारी के सिलसिले में आज ग्राम कचहरी के जो स्टेक होल्डर है, वन ऑफ द लीगल स्टेक होल्डर न्याय मित्र लोगों को बुलाया गया था, उनको सेंसिटाइज किया गया, उनको कुछ टिप्स दी गई और ग्राम कचहरी की महत्ता के बारे में भी उनको बताया गया कि ग्राम कचहरी अगर वो सही से फंक्शन करने लगे तो हम लोग जितने भी छोटे छोटे क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, उसको बड़े आसानी से आपसी सुलह समझौता से और वहां से निर्णय करके भी हम लोग निस्तारित कर सकते हैं, जिससे आम लोगों को जो गरीब हैं, जो बहुत सारा इसीलिए वंचित हो जाते हैं वो, कि उनको न्याय प्रदान करने में जो खर्चीला है, जो ज्यादा पैसा लग जाता है उनको, तो उनसे वो बच सकते हैं। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस नगर पुलिस अधीक्षक से मुआवजा हेतु 14 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें 4 प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण से 10 मुआवजा प्रस्ताव पूर्ण के त्रुटिपूर्ण मामलों में से 1 मामले का वांछित कागजात प्राप्त हुए तथा 8 वादी वादनी द्वारा द्वितीय किस्त मुआवजा भुगतान से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन के साथ अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल 19 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिन्हें दर्ज प्राथमिकी और चार्जशीट के आधार पर मुआवजा देने की स्वीकृति प्रदान की गई। उसको हम लोग SC ST से कर लें और पॉक्सो कोर्ट को भी एक रिपोर्ट कर लें कि भाई दिए हैं और वहाँ से जो है दोबारा भुगतान ना किया। इस संदर्भ में आवेदक से भी आप ले सकते हैं, अंडरटेकिंग एक ले लें ले ले कि हमको यहाँ से दे दिया जाए, हम वहाँ से कोई क्लेम स्वीकार नहीं करेंगे। में SC एक्ट के तहत में जो मुआवजा का प्रावधान है, वह पीड़ित को सौ समय मिले, इस पर गंभीरता से विचार किया। देखा गया कि कहीं जगह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाना पीड़िता या पीड़ित का काम नहीं है, प्रशासन का काम है, उस आयोग का काम है, वह समय पर वह
उसको उपलब्ध हो सके, सही ढंग से समय पर मिले, ये किया देखा गया किया गया। दूसरा किया गया कि हम लोग निर्णय ले लेते हैं लेकिन पीड़ित या पीड़िता को ससमय वह पैसा नहीं मिल पाता है बैंक के लाल फीताशाही के कारण से। इस पर भी हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक काम का निर्णय लिया है कि वो लाल फीताशाही जो हो, बैंक अगर समय पर पीड़ित को पीड़िता को अगर समय पर मुआवजा नहीं उपलब्ध कराएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल का पूर्ण समाप्ति हो इसी उद्देश्य से दो वर्ष बाद दरभंगा पर्यटन संस्थान वार्ड 21 के 72 सदस्य जियारत दल देवाशरी बाराबंकी लखनऊ के लिए गुरुवार को रवाना हुआ था। सांप्रदायिक सद्भाव के तहत हिंदू समुदाय के दर्जनों लोगों ने जियारत दल को विदा कर मुबारकबाद भी दिया था। शुक्रवार को दल के सदस्यों ने दरभंगा से लाए चादर को विधिवत पूर्वक देवा शरीफ मजार पर चादर पोशी की, दुआ की गई सद्भाव शांति और कोरोना काल के पूर्ण खात्मे के लिए। पार्षद मधुबाला सिन्हा ने कहा कि इसके बाद 4 मार्च को हिंदू समुदाय के 150 लोग वाराणसी भी जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉडलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, एनआईसीयू, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, पीएफटी, वी हैव आल्सो 24 आवर एम्बुलेंस सर्विस, कार्डियोलॉजी, डेंटल सर्विस, हॉस्पिटल केयर, लेबोरेटरी सर्विस, मैटरनिटी केयर, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ, योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरिया सराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD, मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD, मोबाइल नंबर 9472267587। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। जिला पंचायत विकास योजना का सबका योजना सबका विकास के अंतर्गत जिला पंचायत विकास योजना GPDP के अद्यतन प्रक्रिया एवं निर्देश से संबंधित एक दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन जिला परिषद का सभागार में किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी, जिला परिषद उपाध्यक्ष ललिता झा, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी गणेश प्रसाद सहित कई लोग मौजूद थे। योजना को क्रियान्वित करने के संबंध में हम लोग कार्यशाला का आयोजित किया, क्योंकि बहुत से पार्षद के मन में होती है हम लोग कौन सा योजना नहीं मिले, इसको संदेह को करते हुए देखते हम लोग कार्यशाला का आयोजन लिया गया। मनरेगा जो जिला परिषद द्वारा बहुत ही जल्द चालू होगा और जो है कहाँ क्या दिक्कत है जिला पार्षद लोग कहना था जो हम लोग करने में कठिनाई होगी, इस पर विचार विमर्श करके सभी लोग को जानकारी दिया। कमतौल थाना क्षेत्र निवासी लालू यादव को कई लीटर चुलाई शराब के साथ और उपकरण के साथ उसे जब्त किया गया। दूसरी तरफ शराब पीने के आरोप में सदनगर लहरिया सराय के इलाके से बीती रात ही पकड़ा गया और शराब पीने के मामले में वह पकड़ा गया। आरोपी के बारे में बताया जाता है कि समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसका नाम कमल कुमार है। शराब मामले में पकड़े गए दोनों ही आरोपी को जेल भेज दिया गया। कमतौल थाना एरिया का रहने वाले हैं, मेरा नाम लालू यादव, पिता का नाम श्री देव ललन यादव। 6:30 शाम में 24 तारीख को मेरे साथ दारू नहीं था, वो जो गुड़की वाला होता है मिठा दिए हुए थे वही बस केवल था। हाँ तो चुलाई शराब नहीं था मौजूद, वो नहीं था, एक देखची था, एक कैंटर था, यह वही 10-15 दिन पीने के लिए बना रहे हैं। नहीं कोई नहीं था शामिल, हम पीने के लिए थोड़ा बहुत पीने के लिए बना लेते थे अपना यूज करने के लिए। जगदीश बोल, थाना कल्याण, समस्तीपुर, 8 बजे रात में, सैदनगर जी। समस्तीपुर के हैं, दरभंगा में कैसे आप पकड़े? वो दोस्त के यहाँ आए। फिर कैसे पुलिस आपको पकड़ी? वो तितारी पिए हुए थे ना, तो सर वो उसी से बोल रहा हूँ। 8 बजे रात में